इसराइल का फिलिस्तीन के साथ शुरू से ही दंगा रहा है। दोनों देश आपस में कई बार लड़ते झगड़ते रहे हैं। यही कारण है कि गाज़ा फिलिस्तीन आपस में लड़ने की वजह से कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उनका विकास नहीं हो पाया है। जबकि इसराइल अपने आप को सुरक्षा देने के कारण बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। फिर भी आज इसराइल पर दो बम दागे गए जिसमें लगभग 18 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों की पुष्टि सरकार द्वारा अभी नहीं की गई है, लेकिन घायलों की संख्या 18 बताई गई है। इसराइल और आसपास के सभी इस्लामिक कंट्री इसराइल से युद्ध करना चाहते हैं। एक छोटा सा देश जिसमें सिर्फ यहूदी रहते हैं, उन पर इन लोगों का आक्रमण अक्सर होता रहता है। आयरन डोम होने के बावजूद भी यहाँ पर कभी कभार बम गिरते हैं और लोगों को जान माल की क्षति होती है। इसराइल एक ऐसा देश है जो चारों ओर इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र है, बाकी तीन तरफ यह इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, जहाँ पर आए दिन बम के हमले होते रहते हैं। घुसपैठिए भी घुसते हैं, आतंकवादी का भी डर बना रहता है। यही कारण है कि इसराइल अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए स्वयं में संकल्पित है। हमें इसराइल से बहुत कुछ सीखना होगा।